तो मुंबई में लगे सेकेंड लॉकडाउन के बाद आज मेरा शूटिंग का पहला दिन है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है कैमरा वगैरह लेके आए हैं। और तो भाई एक अच्छी खबर है आपके लिए और हमारे लिए कि मुंबई में फिल्म शूटिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी लगातार तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और तैयारी कैसी है जो है प्रोडक्शन वाले तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं कि सामान वामान सेट वगैरह बनाना, साथ में जो है कि अभी हमारी भी तैयारी चल रही है। और आपको बता दूँ कि अभी हम लोग जो है इस अंधेरी पश्चिम के इस सिटी मॉल के पास आए हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक ये जो तनिष्क शोरूम है यहाँ पर एक प्रोडक्शन का ऑफिस है जिन्होंने आज हमें बुलाया था कोविड का टेस्ट कराने के लिए। तो यही तैयारी है प्रोडक्शन वालों की। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप में से जितने लोग हैं उन सभी को जानकारी दे देता हूँ कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो भी है शूटिंग जो शुरू करने वाले हैं उनकी तैयारी में ये खास चीज़ है कि अभी भी देखिए शूटिंग शुरू होने के पहले जितने भी क्रू मेंबर थे, चाहे वो कैमरा हो, स्टडी कैम हो, लाइट वाले हो, जितने भी लोग हैं सभी का कोविड का जो है टेस्ट कर रहे हैं। और साथ में हम लोगों का सर्टिफिकेट भी चेक करें क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है जो हम लोगों ने टीका लगवाया है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपको बता देता हूँ मैं कि देखो अभी जितनी भी शूटिंग शुरू होने वाली है उसमें ये बहुत ज़रूरी है, आपको टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टीका लगाया है तभी आपको शूटिंग पर जो है ना काम करने की इजाज़त दी जाएगी। तो हम लोगों ने बताया था आपको, पहले भी मैंने यशराज वाले वीडियो में बताया था कि भाई हम लोगों को टीका लग चुका है और सर्टिफिकेट जो है वो मेरे पास है। तो भाई सर्टिफिकेट का होना और जो है कि आप कहीं भी हो, कहीं से भी अगर मुंबई आ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं पहले से या करने की सोच रहे हैं तो इस समय प्रोडक्शन वालों ने ये नियम बना रखा है कि आपको जो है कोविड का टीका जो है वो पहली डोज या दो हो गई होगी तो भी सही होगा। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। और साथ में जो है कि प्रोडक्शन वाले जो तैयारी करते हैं तो वो अपनी तैयारी तो करते ही हैं कि सेट बनाना, लाइटिंग वगैरह करना, वो सारी चीज़ तो करते हैं। लेकिन साथ में अभी भी नियम के अनुसार जितने भी क्रू मेंबर शूटिंग पर आते हैं उनका दो दिन पहले से ही कोविड का टेस्ट किया जाता है, जैसे कि अभी हम करवा के आ रहे हैं। तो सोचिए आज हम ये टेस्ट करा रहे हैं, दो दिन के बाद उनकी शूटिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, प्रोडक्शन की जो तैयारी है वो इस तरह की होती है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तैयारी वगैरह नहीं होती है, सीधा आपको कॉल आता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, जल्दी आ जाओ शूटिंग शुरू होगी। मेरे भाई ऐसा होता ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसा सोचते हो ना वैसा नहीं होता है शूटिंग। वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग आपको कहते हैं कि भैया शूटिंग शुरू हो गई है तुरंत आ जाइए, ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए दो दिन पहले हम लोगों का जो है टेस्ट किया जा रहा है, हम लोगों का आधार कार्ड सब सारी चीज़ें हमें जो है दी प्रोडक्शन वाले कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ही शूटिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये बताना चाहता था कि इसी प्रकार से प्रोडक्शन का काम चलता है। अब आप लोगों को कौन बोल देता है कि आप आ जाओगे, काम मिलना शुरू हो जाएगा, हम आपको पेमेंट देंगे। तो ये सब जो बातें हैं ना मैं उसी को क्लियर करता हूँ आपको इस वीडियो में। पेमेंट देंगे और आप लोगों को तो काम देते हैं, जो भी बंदा वो आपसे पहले पेमेंट लेता है। अरे भाई हम जैसे लोग हैं ना काम करने वाले इंडस्ट्री में पहले पेमेंट उनसे लेने की बात करते हैं प्रोडक्शन हाउस में से कि भैया काम तो हम करेंगे लेकिन आपसे पहले पेमेंट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को बताना था कि जब भी कोई शूटिंग का काम शुरू होता है तो प्रोडक्शन वाले कौन कौन से नियम को जो है वो फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को भी अगर उसमें काम करने का रहता है तो किस प्रकार की वो चीज़ें करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये चीज़ें होती हैं कई बार इस तरह से कि कई लोगों को लगता है कि शूटिंग बोल दिया और शुरू शूटिंग हो गई, शुरुआत हो गई, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है आज की जानकारी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी जो है फिल्म से जुड़ी काम की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा और मुँह पर मास्क ज़रूर लगाइएगा क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कभी भी फाइन देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो चलिए बाय।